नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपको दिख रहा होगा कि कैसे जंगल से एरिया में जा रहा हूँ मैं, और आगे की ओर चलते हैं। फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि मैं आया कहाँ हूँ। सामने ही आपको एक किला दिख रहा होगा, और आगे जाके मैं आपको पूरी डिटेल और पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी चीज़, इस किले का इतिहास, सब चीज़ बताता हूँ आपको इसके बारे में। पहले दोस्तों, मैं इस झाड़ियों से निकल जाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घनी झाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और मैं आ गया हूँ बाहर की साइड। मैं आ गया हूँ दोस्तों यहाँ की साइड, तो चलते हैं पहले इस किले के अंदर और फिर मैं आपको बताता हूँ मैं आया कहाँ हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर, मिलते हैं। किले के साथ इसकी कहानी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ड्रामनी सी है, क्योंकि ये किला जो है हॉन्टेड किला है, और ये अपनी दिल्ली के अंदर ही पड़ता है। मैं यहाँ से चलता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और अब आया है दिन का समय और मैं बाहर आ चुका हूँ पूरा। दोस्तों, जिस रास्ते से मैं आया था वो पीछे का रास्ता है, ये है इसका सामने का एंट्रेंस रास्ता है। और दोस्तों, यहाँ आसपास ही जंगल हो चुका है। ये कालू सराय में पड़ता है, दिल्ली के कालू सराय में पड़ता है ये किला। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, 1400 सदी में करवाया था दोस्तों। जो दोस्तों प्रातःकाल जो हमारी राज्य सरकार है, वो भी इस किले के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं निकाल पाई, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में इतनी जानकारी है नहीं। पर दोस्तों, जो इसकी स्टोरी है, रिसेंट स्टोरी है, अभी काफ़ी सालों से जो इसकी स्टोरी चल रही है, वो दोस्तों एक हॉन्टेड स्टोरी है इसकी। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ से जाने के लिए ऊपर जीने हैं और ऊपर ही लोग जाते हैं आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत कम क्राउड आता है, बहुत ना के बराबर आता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे किले में आना जाना कपल्स लोगों को काफ़ी पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ दोस्तों लूट मारी भी होती है और सीना झपटी भी होती है। दोस्तों, वो जो ऊपर के साइड के जीने हैं वो टूट चुके हैं और मुझे यहीं से कहीं ना कहीं से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ की साइड चलता हूँ और यहाँ की साइड मैं चढ़ने का कुछ ना कुछ अरेंज करता हूँ ऊपर चढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं नीचे आ गया हूँ, ऊपर चलेंगे अभी थोड़ी देर में। मैं यहाँ से पीछे की साइड नीचे आ गया, मुझे ये एरिया दिखा दोस्तों। 1400 में इसका निर्माण हुआ था और ये एरिया जो है पूरा टूट गया है, और ये एरिया एक जंगल नुमा एरिया है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ की साइड ले जाऊँ। तो दोस्तों, इसकी हॉन्टेड कहानी तो है, पर इसकी एक और कहानी है जो काफ़ी अलग और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है। दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ, तो यहाँ तो पूरा जंगल एरिया, पूरा जंगल, जहाँ से मैं पीछे की साइड से आया था ये पूरा उसी से अटैच है पूरा। और दोस्तों, ये एरिया है यहाँ की साइड, मैं आपको ले जाऊँ तो ये एरिया पूरा यहाँ से जंगल ही जंगल है यहाँ पे, और पूरा जंगल जंगल है यहाँ पे। यहाँ से पूरा बड़ी बड़ी घास है, इसलिए भी लोग यहाँ आने से कतराते हैं, थोड़ा डरते हैं। ये पूरा एरिया जंगल है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से ले जाऊँ तो यहाँ से थोड़ी सी दीवार टूटी हुई है, यहाँ से इससे आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये पूरा एरिया टूटा हुआ है और सामने का पूरा एरिया पूरा जंगल है। और यहाँ से हमें नहीं पता कि नीचे कहाँ तक ज़मीन है कहाँ तक नहीं है, क्योंकि यहाँ तक ही मेरे को दिखे नज़र आ रही है, उसके नीचे सारा जंगल है। और ये एरिया पूरा है जो टूटा हुआ है, मैं आपको तो अंदर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, ऊपर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये एरिया दिखा दूँ, उस एरिया की भी। दोस्तों, मैं यहाँ की साइड आ गया हूँ, मैं आपको नीचे उतर के थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का ये किला है, जब से 1400 सदी से बना पड़ा है। दोस्तों, जो आपको ये एरिया दिख रहा होगा ना, क्या आपको पता है कि यहाँ पे 20 साल पहले खजाना निकला था? ये एरिया था जो, ये एरिया और सेम एरिया यहाँ पे भी है जो यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ था कि नसेड़ी गंजड़ी जो लोग थे वो आया करते थे। दोनों साइड कुएँ हैं यहाँ पे, आपको बड़े बड़े सीवर टाइप दिख रहे होंगे, ये सीवर नहीं है दोस्तों, ये कुएँ हैं। यहाँ पे नसेड़ी गंजड़ी जो लोग आया करते थे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चारों ओर गिलास पड़े हैं पानी के, और काफ़ी उल्टे सीधे जो नशे करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, ये जो अंदर कूड़ा इकट्ठा हो गया, तो उन क्या करा कि यहाँ से निकाल निकाल के तो यहाँ पर उन्हें खजाना मिला था इन दोनों के अंदर।
दोनों के अंदर जब दोस्तों खजाना मिला था उन्हें आज से 20 साल पहले, और उसके बाद यहाँ पे पूरे में हल्ला मच गया था। तो इसलिए ये किला जो सरकार ने था वो थोड़ा सा खुदवाया भी था, जिसके आसपास के एरिया जो यहाँ पे, फिर इसी के अलावा मोहम्मद बिन तुगलक का कहते हैं कि यहाँ पे उसने खजाना छुपाया हुआ था। और ये एरिया है जो पूरा, और ये एरिया, ये पूरे जो आपको होल दिख रहे होंगे दोनों के दोनों, यहाँ पे इन खजाना मिला था दोस्तों। इस टाइम का कुआं यहाँ पे पूरे में कचरा भर दिया है यहाँ पे लोगों ने, और आपको दिख रहा होगा कि निकाला गया है यहाँ से, और वहाँ से भी दिख रहा होगा कि आपको ये सारी चीज़ें निकाली गई हैं बाहर की ओर। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आज से 20 साल पहले खजाना मिला था। और दोस्तों अब चलते हैं ऊपर की ओर। चलता हूँ मैं आपको ऊपर की ओर, दिखाता हूँ कि ऊपर भी एक फ्लोर है। तो ऊपर दोस्तों जो वहाँ की साइड के जीने थे, मैंने अब आपको बता रहा था, वो साइड के जीने टूटे हुए हैं, पर जो इस साइड के जीने हैं वो एकदम ठीक हैं। तो मैं ऊपर चलता हूँ और आपको इसकी जो हॉन्टेड रियल स्टोरी है वो आपको ऊपर चल के बताता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर मेरे को एक जीने दिख रहे हैं ऊपर जाने के लिए, और ऊपर की साइड चलते हैं। और काफ़ी अंधेरा हो रखा है यहाँ पे। और मैं आ गया हूँ ऊपर। यहाँ से दोस्तों चलते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ ऊपर, और ये ऊपर एक एरिया बना है ये किले का, जो गुम्मट है ऊपर एक गुम्मट टाइप बनी पड़ी है। ये अलग ही तरीके की गुम्मट है दोस्तों, चौकोर तरीके की गुम्मट है ये। और दोस्तों मैं आपको इस गुम्मट के थोड़ा सा अंदर ले चलता हूँ, आपको अंदर बताता हूँ, क्योंकि यार मैं बहुत थक गया हूँ। ऊपर जाने के लिए भी जीने हैं, मैं आपको ऊपर भी ले चलूँगा, पहले इसके अंदर ले चलता हूँ। दोस्तों ये जो गुम्मट है, ये गुम्मट एक जेल की तरह लग रही है मेरे को, जो इसके 3-4 यहाँ पे गेट हैं। और दोस्तों ये 1400 सदी में बनवाया गया था, यानी 600 से 700 साल पुराना है, 650 साल पुराना है ये किला। और इसका एरिया मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, इसका एरिया इतना बड़ा है, बाहर का एरिया है। दोस्तों मैं आपको इसकी कहानी जो है वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे जब ये किला कुछ टाइम ठीक ठाक था तो यहाँ पे लोग आया करते थे, और यहाँ पे लोग अपना टाइम स्पेंड इंजॉय करने आया करते थे। तो दोस्तों होता क्या था, बेसिकली यहाँ पे लोग ड्रिंक भी करा करते थे। तो ड्रिंक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि आपको ये यहाँ पे नाम दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये काफ़ी यहाँ पे नाम लिखे दोस्तों, यहाँ पे ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने सुसाइड कर लेते थे या फिर गिर जाते थे। और कहते हैं कि वो लोग अभी भी यहाँ पे दिखते हैं, बाजी सुनाई देती हैं। मैं आपको आसपास दिखा दूं दोस्तों, आसपास जो घर मकान सारे आसपास इसके घर बने पड़े हैं। और मैं थोड़ा सा आपको अंदर की ओर ले चलता हूं, ऊपर की ओर आपको ले चलता हूं। दोस्तों ऊपर भी एक जीने जा रहे हैं, मैं आपको ऊपर की साइड ले चलता हूं। तो दोस्तों ऊपर की साइड चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूँ। दोस्तों ये है ऊपर की छत है, और दोस्तों देखने में तो मुझे इस तरीके की लग रही है कि जो नीचे की ये नीचे का फ्लोर है ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। और एक बार मैं आपको ऊपर से दिखा दूं दोस्तों, ये सारा विजय मंडल कहलाता है, A to Z सारा विजय मंडल कहलाता है। और दोस्तों कुछ लोग यहाँ से गिर गए थे, जैसे कि यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत कम आते हैं, आसपास के लोग आते हैं जो यहाँ पे ठंड में धूप धूप सेकने आते हैं। और दोस्तों वो लोग जो गिर गए थे, जिनकी डेथ हो गई थी, वो कहते हैं कि अभी भी यहाँ पे दिखते हैं। और मैं आपको नीचे की ओर ले चलता हूँ पहले। दोस्तों यहाँ से जो लोग गिर गए थे कहते हैं कि अभी भी, मैं नीचे की साइड आ गया हूँ दोस्तों पहले। दोस्तों जो लोग यहाँ पे गिर गए थे, कुछ लोगों ने दोस्तों यहाँ पे सुसाइड करा था, कुछ लोग अपनी मर्जी से यहाँ से गिर गए मर गए थे। काफ़ी ये भी जगह है, और कहते हैं कि वहाँ पे वो भी एक एरिया है बाहर की साइड का, जो एरिया वो है वहाँ की साइड से भी, जो बाउंड्री है दीवार की, वहाँ से भी कुछ लोग गिर के मर गए। तो कहते हैं कि दोस्तों वो लोग अभी भी यहाँ पे अभी भी दिखते हैं यहाँ की साइड। और
और यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं यहाँ पे सैड, और लोगों को दिखते भी हैं यहाँ पे। इसलिए दोस्तों आना जाना जो लोगों का था वो कम हो चुका है और बंद हो चुका है। यहाँ पे आसपास के ही लोग आते हैं जाते हैं बस, और ज़्यादा यहाँ पे तादाद में यहाँ से बाहर से पब्लिक नहीं आती है। तो दोस्तों इसलिए इसको हॉन्टेड करार दे दिया है यहाँ पे। अगर आप गूगल पे भी एक बार सर्च करके देखोगे तो आपको ये हॉन्टेड लिस्ट में दिखेगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, वीडियो में ज़रूर बताना, और ऐसी ऐसी स्टोरियों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।